साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी सरकार के 9 वर्ष भाजपा की समाज के हर वर्ग व लाभार्थी तक पहुंचने की तैयारी, एक माह चलेगा अभियान। राज्यपाल आरिफ खान का बड़ा बयान, बोले स्वायत्तता के बिना केरल के विश्वविद्यालय सरकारी विभाग बन जाएंगे। इंडिगो फ्लाइट से टीएमसी नेता मुकुल रॉय लापता, भाजपा से तृणमूल में शामिल होने वाले रॉय लगातार पब्लिक की नजरों से दूर थे। कर्नाटक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले मोदी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, आए क्या। गुजरात में आप नेता को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, बीजेपी नेताओं पर किया दिया था अपमानजनक बयान, जमानत पर थे गोपाल इटालिया। येदियुरप्पा का बड़ा बयान, बोले नेताओं के पार्टी छोड़ने का फर्क नहीं पड़ेगा, वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की इसकी उम्मीद तो नहीं थी। ममता ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा, कहा सरकार गिराने की धमकी दी थी, उन्हें गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर तंज, का हमने संबंध बनाए रखा, उन्हें समझ नहीं आया कौन दोस्त कौन विरोधी। कोर्ट ने साकेत गोखले को जमानत दी, क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए धन के दुरुपयोग का मामला। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा राजा कहीं से एमए की फर्जी डिग्री बनवा कर लाया और बोला कि मैंने एमए किया है। बीजेपी पर बरसी सीएम ममता बनर्जी, बोली बीजेपी और केंद्र सरकार से सवाल किया, आखिर देश में चल क्या रहा है, जिसको मर्जी मार दो। अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ने पशु तस्करी केस में किया तलब, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ पर रोक लगाई थी। हेट स्पीच के लिए बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग, सुप्रीम कोर्ट का पुलिस नोटिस, दिल्ली दंगों में प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर पर नफरत फैलाने का आरोप है। पंजाब ड्रग केस में सीएम मान का एक्शन, पीपीएस अफसर राजरीत सिंह को बर्खास्त करने के आदेश, विजिलेंस को सौंपी जांच। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, विवादित बयान मामले में मांगा जवाब। सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट हुई वायरल, मुकदमा दर्ज। निकाय चुनाव से पहले सपा रालोद गठबंधन, 3 सीटों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी, रालोद 2 दिन में लिस्ट जारी करेगा। बरेली में महापौर टिकट के लिए खींचतान, सपा में टिकट मिलने के बाद शुरू हुई गुटबाजी, बीजेपी का सस्पेंस देकर बसपा ने टिकट होल्ड पर रखा है। बांगरमऊ में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, नपाध्यक्ष के लिए 26 निगर आए नामांकन, सुरक्षा के रखे सख्त इंतजाम।
इमरान मसूद ने यूपी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सहारनपुर में बोले अब तो हमें भी डर लगने लगा है, कोई हमें ना गोली मार दे। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो लोगों की मौत, 10 घायल, मिनी ट्रेवलर बस में थे सवार। इंटरनेट सेवा ठप होने पर 800 करोड़ का नुकसान, ऑनलाइन पेमेंट, टैक्सी, भोजन बुकिंग सहित सभी डिजिटल सेवाएं रहीं ठप। सुल्तानपुर में दो युवकों को दबंगई, पड़ी महंगी रुपए के लेनदेन में गाड़ी चढ़ाने का किया था प्रयास, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 25,000 के इनामी मनोज के पैर में लगी गोली, एक सिपाही भी घायल। इटावा में चार आरोपियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास, 10,000 का जुर्माना, लूट व हत्या का था मामला। छेड़छाड़, दुष्कर्म का प्रयास करने पर 5 साल की जेल, बुलंदशहर कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 27,000 का जुर्माना। संत कबीर नगर के मेहदावल में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव, शराब पीने का आदि था। हाथरस में सपा ने उम्मीदवार के घोषित पालिका अध्यक्ष पद पर, ललन बाबू एडवोकेट बने प्रत्याशी, दूसरे चरण में होगा मतदान। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सड़क पर उतरे अफसर, शांति व कानून व्यवस्था को देखते हुए आईजी और एसएसपी ने किया जायजा। प्रयागराज के यमुना में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, दरियाबाद से नाव से आए थे महेवा घाट, नहाते समय गहरे पानी में चले गए। क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन बने मनोज गौड़, 21 राज्यों में है क्रेडाई, 13,000 से ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपर्स मेंबर हैं। टिकट न मिली तो नेताजी ने कर दी बगावत, झांसी में भाजपा, सपा और बसपा से बगावत कर 4 प्रत्याशियों ने निर्दलीय तार ठोक दी है। आजमगढ़ में लोहरा चौकी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, मुख्य अतिथि बने आरक्षी ओम प्रकाश यादव, 32 साल से मुबारकपुर से चल रही थी चौकी। नालों की सफाई की ड्रोन से होगी निगरानी, अलीगढ़ में बरसात से पहले नगर निगम ने शुरू किया अभियान। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, युवती ने अपने रिटायर्ड दरोगा फूफा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के घर आरोपियों ने लगाई आग, पीड़िता का 7 माह का बच्चा और बहन झुलसे, जमानत पर जेल से छूटे थे आरोपी। पत्नी के हत्यारोपी पति को 10 साल की जेल, 10,000 का जुर्माना भी लगा, 6 साल पहले अवैध संबंध में की थी हत्या। बदायूं में पुल के नीचे मिला युवक का शव, लोगों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है। दिल्ली से आ रहे लोगों में कोरोना संक्रमण ज्यादा, कानपुर में लगातार बढ़ रही संक्रमण की चेन, कोविड संक्रमित 30 पेशेंट लापता। अमरोहा में छिड़कानी करने वाले को 5 साल की जेल, 10,000 का जुर्माना लगा, 5 साल पहले 10 साल की बच्ची से की थी अभद्रता।
अमरोहा में गो तस्कर की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, पशु तस्करी में कई केस हैं दर्ज। कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, चेन स्नेचिंग के मामले में चल रहे थे फरार। हरदोई में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, एक साथी घायल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते समय वाहन ने मारी टक्कर। बिजली विभाग के एक्सई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिछले एक साल से थी विभागीय टेंशन, प्रयागराज के रहने वाले थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में गाजीपुर पुलिस, भारी पुलिस फोर्स के साथ अफसरों ने शहर की सड़कों पर पैदल गश्त की है। उत्तराखंड के धामी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरियों पर मिलेगा 30% क्षैतिज आरक्षण। सीएम धामी में क्रांतिवीर तात्या टोपो को दी श्रद्धांजलि, कहा मां भारती के लिए समर्पित आपका संपूर्ण जीवन हम पर सभी को निरंतर प्रेरणा स्रोत देता रहेगा। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के शेर सिंह कार्के विद्यालय का सभागार का किया लोकार्पण, इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार सख्त, प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने का निर्णय लिया गया। बिजली कर्मचारियों को महंगी बिजली का झटका, आदेश के तहत यूपीसीएल ने माहवार फिक्स चार्ज बढ़ाया। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम ने रोक, पीसीसीएफ की कुर्सी से हटाए विनोद कुमार सिंघल को मिली बड़ी राहत। हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले भगत दा को पार्टी ने घर पर बैठा दिया और मुझे जनता ने बैठा रखा है। नैनीताल में खतरे की दस्तक, सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य, बलियानवाल में हर पल हो रही है हलचल। देहरादून में पकड़ा 400 किलो नकली पनीर, किया नष्ट, रिफाइंड तेल अरारोट आदि मिलाकर किया गया था तैयार। पिथौरागढ़ में बारूदी विस्फोट से चट्टान खिसकी, घंटों बंद रहा मार्ग, सैकड़ों लोगों ने भूखे पेट वाहन में बिताई रात। उत्तराखंड के 24 गांव में बाघ का आतंक, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा कर्फ्यू, स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद। उत्तराखंड के किक्षा विधायक तिलक राज बेहर ने थाना अध्यक्ष पर लगाए अभद्रता का आरोप, धरने पर बैठे। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने रोके महाराष्ट्र के ट्रैकरों के कदम, महज 200 मीटर दूर से लौटना पड़ा वापस। उत्तराखंड में सीओ चकबंदी कार्यालय में विजिलेंस का छापा, पेशकार को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। उत्तराखंड में 5 जिलों में बनेंगे संगंध फसलों के सेटेलाइट केंद्र, किसानों को मिलेगी तकनीकी जानकारी। अजीत डोभाल से मिले रूस के डिप्टी पीएम, इंटर गवर्नमेंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, बजट का मकसद ट्रेड बढ़ाना।
पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर इश्निंदा का आरोप, भीड़ ने कैंप घेरा, पुलिस ने बचाया। 2021 में श्रीलंकाई नागरिक को चिंदा चला दिया था। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना पैरा मिलिट्री के बीच लड़ाई, अब तक 180 लोगों की मौत, लगातार हो रहे हमले। अमेरिका के कैलिफोर्निया गुरुद्वारे में गोलीबारी मामले में 17 गिरफ्तार, मशीन गन और AK-47 बरामद, इनमें दो माफिया भारत में वांटेड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास के पास गोली चलने की खबर, यूएस सीक्रेट सर्विस कर रही है जांच। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, पंजाब चुनाव फंड के लिए पूरक अनुदान किया खारिज। नेपाल के अन्नपूर्णा की चोटियों से लापता हुआ भारतीय पर्वतारोही, राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले हैं अनुराग। बीमारी का बहाना बना कैद से बचकर ब्रिटेन भागे नवाज शरीफ, लौटेंगे पाकिस्तान, गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने किया दावा। सीरिया और यूरोप में किए टेररिस्ट अटैक कर रहा था बड़े किडनैप की तैयारी, अमेरिकी सेना ने मार गिराया आतंकी को। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के खिलाफ हो रही है जांच, पत्नी अश्विता मूर्ति से जुड़ा है मामला, सुनक के प्रवक्ता ने जांच की पुष्टि की है। इस अप्रैल को लॉन्च होगा अल्ट्रोज का सीएनजी वर्जन, देश में पहली बार दिखेगी ये ट्रेन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, सनरूफ और 6 एयरबैग भी मिलेंगे। थोक महंगाई दर 29 महीने में सबसे कम, ईंधन बिजली के साथ खाने पीने की चीजों के दाम गिरे पर दूध अभी भी महंगा है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का डॉर्क एडिशन लॉन्च, इलेक्ट्रिक एसयूवी में 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कीमत 19.04 लाख रुपए। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, अकाउंट फ्रॉड घोषित करने के मामले में बैंक ने कोर्ट से मांगी सफाई। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G भारत में लॉन्च, 50 MP कैमरा और 6000 mAh बैटरी से सेलेस स्मार्टफोन, कीमत 13,490 रुपए। बेमौसम बारिश से गेहूं को नुकसान, MSP पर सरकारी खरीद 18% घटकर 41 लाख टन। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस वैलेंटाइनोविच मंत्रोव का बयान, आयात में कमी के कारण रुपए में द्विपक्षीय व्यापार कठिन। आईटी कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट से एलआईसी को झटका, इंफोसिस के शेयरों में गिरावट से एलआईसी को 3,907 करोड़ का नुकसान हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर के खिलाफ जांच शुरू, 500 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का है पूरा ये मामला। अडानी समूह पर निर्मला सीतारमण का नो कमेंट मोमेंट, बोली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी जांच। लखनऊ और चेन्नई के मैच शेड्यूल में हुआ बदलाव, 4 की जगह 3 मई को होगा मुकाबला, लखनऊ के इकाना में खेला जाना है मैच। चेन्नई 4 कैच छोड़ने के बाद भी जीती, पहले ओवर में बोल्ड हुए विराट, दुबे ने 111 मीटर लंबा छक्का लगाया।
पांच साल से नहीं बढ़ी महिला क्रिकेटर्स की कॉन्ट्रैक्ट राशि, ग्रेड ए के एक पुरुष को 5 करोड़, महिलाओं का कुल करार 5.1 करोड़ का। इस साल ज्यादा टूर्नामेंट में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा, तुर्की में बोले एशियाई खेलों में लूंगा भाग, किसी भी तरह की चोट से बचना चाहता हूं। आईपीएल में धोनी और कोहली का क्रेज, चेन्नई बेंगलोर मैच को मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूअर्स, आखिरी ओवरों में टूटा पिछला रिकॉर्ड। इफ्तिखार अहमद का तूफानी अर्धशतक काम नहीं आया, रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया। फॉर्ब डू प्लेसिस ने वेंकटेश अय्यर से छीनी ऑरेंज कैप, गायकवाड, बटलर और गिल धवन सभी को छोड़ा पीछे। शिवम दुबे ने जड़ा 111 मीटर लंबा छक्का, सीजन में तीसरी बार 100 मीटर से लंबा सिक्स लगाया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैन ने महेंद्र सिंह धोनी के छुए पैर, सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल। उमर अकमल ने भाई कामरान अकमल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुझे कोई साथ नहीं मिला। इलियाना डीक्रूज ने की प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट, बोली लिटिल डार्लिंग आपसे मिलने का इंतजार नहीं होता। कटरीना के 22 संग है डेटिंग की खबरें। शहनाज गिल को देख रश्मि देसाई ने फिरा मुंह, वीडियो देख फैंस हुए नाराज, बोले बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन लोग नहीं बदले। ऑस्कर में नाटू नाटू पर डांस करना चाहते थे रामचरण, बोले मैं डांस करने के लिए 100% रेडी था लेकिन मुझे कॉल नहीं आया। ट्रेनिंग लुक में नजर आई श्वेता तिवारी की बेटी पलक, मुस्कुराते हुए पेपरोजी को दिए पोज, फैंस बोले मां दोनों बेटी खूबसूरत हैं। सचिन के बेटे के डेब्यू पर भावुक हुए शाहरुख, टीम को मिली हार को भूलकर बोले दोस्त के बेटे को मैदान में देखकर काफी खुशी हुई। मनोज वाजपेयी का बड़ा खुलासा, बोले मुझे लगा फ्लाइट में शराब खरीदनी पड़ती है, पेरिस में पहली बार चॉप स्टिक्स खाना सीखा। हाथा में डिनर डेट पर निकले राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी शॉर्ट ड्रेस में दिखी ग्लैमरस, ब्लैक आउटफिट में कपल ने की ट्विनिंग। येलोसूर में खूबसूरत दिखी प्रीति जिंटा, अवतार पार्टी में की शिरकत, फैंस ने बताया 90 के दशक की ब्यूटी। सेरा सेरा प्रोडक्शन ने विक्रम भट्ट और उनकी बेटी पर 1.40 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रोड्यूसर चिट्टी बाबू ने अभिनेत्री सामंता रूथ प्रभु पर कसा तंज का, फिल्म चलाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।